Yes, a very good morning. So let me tell you that as far as your syllabus, your papers pattern is concerned, yesterday CBSE has released sample paper for class 10th, and you know whatever pattern will be followed for the standard 10th, same we will follow for the standard 9th also, right? Earlier we have done assertion reasoning questions based on the concepts. But as far as the new sample paper, the latest sample paper that CBSE has released, I'm not talking about the sample papers that are available in the market. I'm talking about the आप हॉस्टलो पहले, ठीक है? I'm talking about the sample paper which CBSE has released yesterday for class 10, and it has not contained even a single assertion reasoning. So I just want to inform you that you are not going to have assertion reasoning question in the paper, right? खुशी की बात है या कैसे, मतलब आप तो ऐसे मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो जैसे पता नहीं मैंने कोई मतलब। अच्छा एक मिनट बच्चे, 9th जो पैटर्न प्लस टू का फॉलो होता है वही प्लस वन का, जो 10th का फॉलो होता है वही 9th का। इफ वी आर नॉट हैविंग इन 10th देन वी विल नॉट बी हैविंग इट इन 9th ऑल्सो, राइट? सो यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ, no assertion reasoning question is there, simple MCQs, match the following, filling the blanks and all that, and same for the case study. I am talking about my subject, you asked from the other teachers. Case studies are there, standalone MCQs plus case study, they will be the part of your September exam, right? अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे बनाने की कि ये assertion है, ये reason है, false है, true है। चलो जी खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। देखो इतनी अनसर्टेन लाइफ है, कैसे कोई चीज आती है और कैसे चली जाती है, नथिंग इज सर्टेन। वो वेरी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है लाइफ में। सो इसीलिए कहते हैं कि लाइफ को एंजॉय भी करो पर उसको एक मीनिंगफुल वे में, डायरेक्शन में आगे बढ़ाओ, ठीक है ना हर्षित? अपने आप को बार बार ये शो करना कि मैं बड़ा शरारती हूँ, बड़ी बातें कर सकता हूँ, इट्स नॉट ऑलवेज गुड। कभी कभी अच्छी लगती है शरारते बच्चों, ठीक है? सो मूव योर लाइफ इन ए प्रॉपर डायरेक्शन सो दैट यू शुड नॉट बी हैविंग एनी रिग्रेट कि मैंने ये जो है अपनी लाइफ में अच्छे से नहीं किया। हाँ जी यही बोला मैंने, अभी यही बोला था, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज प्लस केस स्टडी। अब मैं ये नहीं बता सकती कि बेटे ये वाले एमसीक्यूज 40, ये वाले एमसीक्यू कर जाओ, यही पेपर है, ठीक है? यस बस नो मोर डिस्कशन। क्या एक सेकंड, ऑप्शन हमेशा चार ही होती हैं, एबीसीडी, जिसमें दो सही होगा उसमें ये भी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, ठीक है ना? अदरवाइज इट इफ आउट ऑफ फोर टू आर करेक्ट देन यू डू इट अकॉर्डिंगली, विल डिसाइड आफ्टरवर्ड्स, टीचर्स विल डिसाइड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू सिंपली डन द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर एंड अकॉर्डिंगली आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर द एमसीक्यूज। पीरियोडिक टेस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है? चलिए, सो यस्टरडे वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 6.1, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.2, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंड द पैरेलल लाइन। And before that, we will do example of the exercise. I am starting with example number 4. There is a line PQ. Which is parallel to line RS. Line PQ, it is parallel to line RS. And we are having MXQ. Value of MXQ is 135 degree and MYR, this is 40 degree. MXQ मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर मुझे तो हंसता नजर आ गया ना क्लास में तो देख, मैं बताऊंगी ना कब हंसे थे। MXQ is 135 and MYR, this is equal to 40 degree. We want to find the value of X, MY.
इस तरह का क्वेश्चन हमारा एक बुक एक्सरसाइज में भी है. आई टोल्ड यू दैट इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आपने जो है सेंटर में से जाके जो है उस पे छुरा खोद देना है. दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन एल विच इज पैरेलल टू बोथ पी क्यू एंड आर एस. L is parallel to PQ and L is parallel to RS. And as I did this construction, my target angle, that is angle XMY, it has been divided into two angles. Let us mark this to be angle 1 and this to be angle 2. So after finding angle 1 and 2 and adding them, we will get angle XMY. As far as angle 1 is concerned, you know these two are parallel and this is transversal. Hi, 1 minute. जिससे पूछेंगे वही बताएं. Harshit. 1 and 135, what kind of angles? कैसे एंगल्स हैं? इंटीरियर और कुछ? रितिका यू टेल. 1 एंड 135 दे आर फॉर्मिंग द पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. कैन यू टेल मी द प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस? व्हाट प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल सेटिस्फाइड? पैरेलल लाइन के केस में को इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैंने बताई है, एक एक चीज बताई है आपको. यू टेल लक्ष्य. हैंड डाउन, स्टैंड अप. हाँ, सीधे मुंह हिला दिया, याद करने की कोशिश ही नहीं. जिस कारण पता हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि हमने पढ़ाई की तरफ कभी आना ही नहीं है. आप बताइए तुषार. इन केस ऑफ पैरेलल लाइन को इंटीरियर एंगल सेटिस्फाइड विच प्रॉपर्टी? These are two co-interior angles. In case of parallel lines, co-interior angles satisfy what? Anjir, Ishan. Their sum is 180. That means they are supplementing. You recalled it or you listen it from here and there right now? Tushar, you listen. थोड़ी बहुत ही आवाज आ गई थी 180 की और मैंने बोल दिया 1 and 135. तो और कुछ लोग तो सीधा कह देते नहीं, कुछ लोग वेट भी नहीं करते कि आवाज आ जाए शायद दूर दूर से, वो सीधा कह देते नो हमारे बस की बात नहीं. यस, सो 1 and 135 दे आर को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, दे आर फॉर्मिंग सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स देयर सम इज 180. सो यू सॉल्विंग इट यू विल गेट इट टू बी 45. Now let us see about angle 2, what we can say. This angle 2 and this angle 40 degree, they are forming corresponding angles. Alternate interior angles. These two lines are parallel. This is transversal. These are alternate interior angles. कुछ लोग बीच बीच में corresponding बोल रहे थे पर फटाफट से alternate, मुझे लग गया पता. Alternate interior angles. Angle 2 is equal to 40. You will write as L parallel to RS. वैसे राइट की तो कोई बात ही नहीं बची अब. यू जस्ट इमेजिन राइट अकॉर्डिंगली, ठीक है ना. अब आगे इन चीजों के मार्क्स होते थे कि आपने ये लिखा क्या नहीं, रीजन लिखा क्या नहीं. अब आपके रीजन के कोई मार्क्स नहीं है. L parallel to RS, therefore 2 is equal to 40, alternate interior angles. Now my target is angle XMY. This angle XMY, this is having two angle, 1 plus 2. This is 45. Angle 1 is 45 plus 40. This is 85 degree. ठीक है? जब जी is there, जब जी बच्चे unmute yourself. You have not sent yesterday's attendance. मैम मैंने send कर दी है. अब कर दी है मैंने. अब कर दी होगी फिर. अब मैंने देखा नहीं. मैम मैंने break में. हाँ जी अंशिया क्या करे? पर लाइन तो बनानी पड़ेगी ना, पैरेलल लाइन. इसके साथ तो लीनियर पेयर हो ही जाएगा. तो हमें ये पूरा एंगल चाहिए. एक मिनट. नहीं, लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसको दो हिस्सों में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा. पूरा एंगल है हमारे पास. ये 45, ये 40,
हाउ यू नो दैट इनको ऐड करके ये आएगा? हमेशा ऐसे होता है? कोई रिजल्ट है मुझे भी बता दो, मैंने कभी नहीं पढ़ा कहीं। वो तो रिफ्लेक्स की बात मैं समझ गई, पर ये कोई रूल होता है ये मुझे नहीं पता। अगर आपने, आपके पास कोई रिटर्न में रूल है मुझे बताना, कई बार बच्चे ज्यादा एक्सटेंशन। आपने वेरीफाई किया कि हर क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है ना, पर कोई रूल तो नहीं है ना। हाँ फिर तो आप वन की वैल्यू जैसे मर्जी निकाल लो, दैट इज डिफरेंट इश्यू। नहीं सुधरना, नहीं सुधरना तुम्हें लगता नहीं है मुझे। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, देयर इज ए ट्रांसवर्सल व्हिच इज इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, वन लाइन इज पी क्यू, अनदर इज आर एस, and we are having a transversal like this AD, it is intersecting two lines. If a transversal is intersecting two lines, such that bisectors of pair of corresponding angles are equal. Bisectors of pair of corresponding angles are parallel. ये है, मैंने एक पेयर ले लिया corresponding angles का, ये वाला पेयर लिया, इनके bisectors, one is taking it to be BE, another is taking it to be CF. We are given that the bisector of angle ABQ, that is BE, and angle BCS, that is CF, these two bisectors, they are given to be parallel. Bisectors of corresponding angles, one pair of corresponding angles in case of parallel lines, they are given to be parallel. आगे ये question जब objective subjective paper होता था, ये बहुत आता होता था question. Bisector of pair of corresponding angles, they are parallel. Then prove that these two lines, they are definitely going to be parallel. कि अगर बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो उस केस में जो लाइंस हैं जिस पे ट्रांसवर्सल आके गिर रही है, दोस लाइंस विल आल्सो बी गेटिंग पैरेलल। देखो ध्यान से, हमारे पास लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल प्रूव कर दो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर को इक्वल प्रूव कर दो, को इंटीरियर को सप्लीमेंट्री कर दो, को एक्सटीरियर को सप्लीमेंट्री कर दो। बट वन मोर मेथड इज देयर दैट इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स गेट इक्वल इवन देन द लाइंस गेट पैरेलल। नाउ द थिंग इज विच रूल वी विल गो विथ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज व्हाई सो, बिकॉज वट एवर इज गिवन टू अस, वट एवर इज विद अस, दैट इज रिलेटेड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव कर देंगे जिससे कि ऑटोमेटिकली लाइंस विल गेट पैरेलल। तो आई एम चूजिंग वन एंगल टू बी एबीक्यू, क्योंकि इसी में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह, मतलब उसके उसने गिवन इसी के साथ एसोसिएटेड है, और दूसरा एंगल बीसीएस। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, वी कैन से दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स गेट इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर गेटिंग पैरेलल। नाउ दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एबीक्यू and this is bisector of BCS. We are given that this BE, this is parallel to CF. हमें BE and CF parallel दिए हुए हैं। अगर मैं इन BE और CF के parallel होने की बात आपके साथ इसको ऐसा सबको रख कर दूँ, this BE is parallel to CF, मैंने बाकी फिगर रख दी, तो क्योंकि सारा कुछ corresponding angles के around ही घूम रहा है, तो मैं यहाँ से भी corresponding angles ही उठाती हूँ। इसका मतलब ये जो corresponding angle है ABE and second one is BCF, they will be equal to each other, because in case of parallel lines, pair of corresponding angles always are equal.
corresponding angles. जो चीजें पैरेलल दी हुई हैं उनको यूज करके जो हमने पैरेलल प्रूव करनी है उन तक पहुंचा जाएगा. देखो अब मैं दोबारा फिगर पे वापस आ रही हूँ. PQ RS, ये एंगल, ये छोटा सा एंगल इस एंगल के इक्वल है और मुझे इस छोटे एंगल से इस पूरे एंगल पे पहुंचना है और इस छोटे एंगल से इस पूरे एंगल पे पहुंचना. ट्वाइस कर देंगे, रीजन बीइंग बाइसेक्टर है. अगर मैं इस आधे एंगल को डबल कर दूंगी आई विल गेट द पूरा एंगल. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ, पहले देखो दो चीजें गिवन थी, पैरेलल थे, पैरेलल को यूज कर लिया. देयर बाइसेक्टर यूजिंग देयर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक दैट दे आर बाइसेक्टर एज वेल. वी नो दैट डबल ऑफ एंगल ड्यू टू बाइसेक्टर बिकम्स अ फुल एंगल. सो दिस बिकम्स ए बी क्यू equal to BCS. So what it means? It means these two lines are such that this is a transversal and pair of these corresponding angles, they are getting equal. It means lines are so if the bisectors of pair of corresponding lines, they are going to parallel, then lines are definitely going to parallel to each other. ठीक होगी बात. चलिए एग्जाम्पल नंबर सिक्स. सिक्स एग्जाम्पल वी आर हैविंग ए बी पैरेलल टू सी. This is given to be 90. This is EF. This is X. This is Y. Z and T. Calculates the value of x, y and z. X, y and z हमें तीनों की values को calculate करना. So this angle is 90. ये lines parallel हैं. AB parallel to CD. CD parallel to EF. So AB will parallel to EF as well. Lines which are parallel to same lines will parallel to one another. अगर ये ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के पैरेलल है तो ए बी और ई एफ आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे. नाउ एज ए बी पैरेलल टू ई एफ दिस आई एम टेकिंग टू बी ट्रांसवर्सल. दिस एंगल 90 डिग्री एंड दिस होल एंगल दे आर फॉर्मिंग व्हाट काइंड ऑफ एंगल, को इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑलवेज फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम 180. सो 90 प्लस सेकेंड एंगल इज जेड प्लस 55, पूरा एंगल. इसमें दो पार्ट्स हैं, जेड प्लस 55, दिस इज 180 को इंटीरियर एंगल्स. 145 जेड की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई. वी नीड एक्स एंड वाई एज वेल. फिगर की रख कर दी. अब हमारे रह गए एक्स एंड वाई. नाउ दीज टू लाइंस आर पैरेलल. This is transversal. Y and 150, y and 55 is also co-interior angles. हाँ, Z and Y equal होंगे. Alternate interior angles.
एक मिनट जेड नहीं होगा इक्वल वाई के, क्योंकि लाइन पे नहीं ना, और हमारे पास जो एंगल हमने देखने होते हैं, फिर क्या करें, 11:15 हो गए हैं तो हाँ राघव बिहेव योर सेल्फ, जब भी हमें एंगल चेक करने होते हैं वन थिंग वी विल कीप इन माइंड कि एंगल की एंगल का जो पोर्शन है एक ट्रांसवर्सल को टच करना चाहिए एक लाइन को, ये जो जेड है ये ट्रांसवर्सल को तो टच कर रहा है पर लाइन को नहीं कर रहा, इसलिए जेड उसके साथ नहीं हो सकता। वाई एंड 55 दे आर अगेन को इंटीरियर, वाई कम्स आउट टू बी 125 and x and y they are 120. So is x 125. 6.2 exercise second question dekho. Haan ji. क्वेश्चन नंबर सेकंड 6.2 वी आर गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू ई एफ, देयर इज अ ट्रांसवर्सल लाइक दिस, this is x, this is y, this is z. Y ratio z. Given to be 3:7. Y ratio z. Given to be 3:7. We want to find x. Now see, y or z ki ratio di hui hai. You know, whenever ratio is given, we take the constant of ratio. Ratio of the boys to the girl is say 2:3. So let the boys number be 2x, girls number be 3x. So if y ratio z is 3:7, x nahi lenge ab constant of ratio because x is already there. So hum a le lete hain constant of ratio. So let y is equal to 3a. And z is equal to 7. Y 3 हो गया, z 7 हो गया. क्यों x 7 है? एक मिनट. तो z खुद ही अननोन है. X भी पहले निकाल. कुछ निकालेंगे तो तभी बाद में लगाएंगे सब कुछ. एक मिनट अंशा आप क्या कह रहे हो? वन बाय वन तो लेने लगी हूँ, आगे करूंगी तभी होगा. आप कह रहे हो कि वन इधर लेना है, मैं वन इधर लेने की सोच रही थी. डिपेंड करता है कि आप कहाँ लेना चाहते हो वन को. एक्चुअली देखो वाई और जेड की वैल्यू हमारे पास है बट वाई और जेड का रिलेशन कोई नहीं है क्योंकि जेड इंटीरियर है, वाई एक्सटीरियर है. वी हैवंट डन एनी रिलेशन बिटवीन वन एक्सटीरियर वन इंटीरियर. तो या तो इस वाई को हम इंटीरियर में शिफ्ट करें, ठीक है ना, इस वाई को इंटीरियर में शिफ्ट कर लेते हैं. लेट अस टेक दिस टू बी एंगल वन. एंगल वन इज इक्वल टू वाई वर्टिकली ऑपोजिट है. अब इस y का मान को जो कि हमने y लिया वो z के साथ रिलेट हो गया को इंटीरियर एंगल से सम 180. सो यू विल राइट 1 प्लस z 180 दैट मींस y प्लस z 180 दैट इज 3a प्लस 7a 180.
Rajvinder, Raghav, wear your mask. Rajvinder sir is on ground. If he sees any student not following the corona protocol, तो वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं. So please, 10A is equal to 180, A is equal to 18. A की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई. तो सबसे पहले हम y को निकालें. 18 into 3, 54. 18 into 7, 126. Y and z आ गए. ठीक है, अगर मैं ये वाली लाइन बीच में से रब कर दूं, व्हाट यू कैन से अबाउट एक्स एंड जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज ए बी पैरेलल टू ईएफ. बेटे बोर्ड इधर है सामने, आपको भूल जाता है थोड़ी देर बाद. सो ये जो एक्स है दिस इज इक्वल टू जेड using the concept of alternate interior angles. Yes. Let us do question number third. Third question is, there is a line AB. Parallel to CD and EF perpendicular to CD. Angle GED given to be 126. धरे अपने बाल ठीक करो. हाँ, ताकि आंखें बोर्ड की तरफ देख ना पाए इसलिए उनको ढक लो बालों से. So angle GED, this is 126. Find angle AGE, GEF, FGE. AGE, GEF and FGE are to be calculated. सीरियसली बात, ये 126 हमारी जिसकी फाइंड करने में हेल्प कर सकता है कर. Consider this to be transversal. Ritika, stand up. AGE किसके इक्वल होना चाहिए? इतना भी मत घूरो उसको. रीजन, AGE इज इक्वल टू 126 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. रितिका, आप कहाँ बैठे रहते हो? पता ही नहीं आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. कैसे पेपर देने हैं? सेवंथ से कर रहे हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर ये वो. याद क्यों नहीं था आपको? दिखता नहीं है ये इंटीरियर में और अल्टरनेट है. सो AGE 126 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऋतिका पढ़ना शुरू कर दे बच्चे, नहीं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट बी इन योर फेवर. बैठ जाइए. नाउ वी वांट टू फाइंड दिस GEF. व्हाट इज दिस टोटल एंगल? अगर इसमें से इतना पार्ट निकल जाए तो अपने आप जी बच जाएगा. इतना पार्ट कितने किसके इक्वल है? 90. सो दिस इज 126 माइनस 90, दैट इज 36. देन कौन सा रह गया? 36. एफ जी ई. ए जी ई एंड एफ जी ई, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. सो वी आर हैविंग ए जी ई प्लस एफ जी ई 180. बीइंग ए जी ई टू बी 126, दिस कम्स आउट टू बी 54. कुछ नहीं पता कि क्लास में क्या हो रहा है. नथिंग.
आपको तो पता, आप तो बहुत अच्छे से सुनते हो, आवाजें आपके कानों में गूंजने लग जाती हैं अगर कोई 180 बोले। क्वेश्चन नंबर 4, आप तो बहुत अच्छे लिसनर हो। क्वेश्चन नंबर 4, PQ is parallel to ST. Here it is R. PQR, this is 110. RST, 130. We want to find angle QRS. Hame chahiye ye wala angle QRS. This PQ is parallel to ST. Let us produce this PQ like this. अगर PQ parallel to ST है और PQ को सीधा हमने produce कर दिया, तो जो line आएगी QU वो भी parallel to ST होएगी। जैसे ये वायर है, अगर मैं इसको मतलब यहां तक भी आ गई हूँ तब भी मैं बोल सकती हूँ, ठीक है ना? अगर थोड़ा सा और बाहर जाऊंगी तो फिर नहीं बोल पाऊंगी, इतनी लेंथ है इसकी। यहाँ पे ये जो QU है, this is parallel to ST. कोई भी कर दो, दोनों से काम बन जाना है, इससे नहीं होगा। होगा अगर इसको हम क्या दे, A, ये छोटा सा, प्लीज Until I am not stopping my lecture, I am not ending my lecture. Tushar, look at the board. कोई किसी की आवाज ना आए, कोई बाहर ना देखे जरा। Look at the board. Please, first bench. This is a small triangle. And if in a triangle we need one angle, we should know the other two angles. इसको angle one कह दो, 70 हो गया। इसको कहो angle two. क्यों? ये कितना होएगा? को इंटीरियर से 50 और ये वर्टिकली ऑपोजिट से 50, दोनों आ गए। तीसरा आई जाएगा एंगल ऑफ ऑफिस। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर, वी कंटिन्यू टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड जब जेट टू सेंड दैट एंड साइन।